चंदन क्यारी विधानसभा के मानपुर गांव, महाल, पूर्वी, पश्चिम, देवो ग्राम, तिला, तोंड, नवाडी, रोहानिया, तोड़ के अलावा विभिन्न गांव में जनसंपर्क के मौके पर नेता प्रतिपक्ष चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा, वर्ष 2014 में पहली बार चंदन क्यारी की जनता ने मुझे जीत दिलवाकर यहां का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। पिछले 10 वर्षो में चंदन क्यारी में हर क्षेत्र में विकास कार्य किए गए। जहाँ पहले मात्र 65 गांव में ही बिजली थी, वहीं अब सभी गांव तक बिजली पहुंच गई। आज हर घर में लगभग 22 घंटे बिजली रहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चंदन क्यारी में उच्च स्तरीय स्टेडियम, पावर सब ग्रिड, सब स्टेशन, नई सड़क का निर्माण, पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार, तालाबों का सौंदर्यकरण, इंजीनियरिंग कॉलेज, पार्क आदि का निर्माण किया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल जल योजना के तहत भी लाभ दिया गया। उन्होंने कहा कि आज चंदन क्यारी का नाम देश दुनिया में फैला है और इसका पूरा श्रेय चंदन क्यारी के देवतुल्य जनता और कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने मुझ पर भरोसा कर 2 बार यहां का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधायक के रूप में चयनित किया। अमर कुमार बावरी ने उपस्थित सभी ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि इस बार फिर से तीसरी बार मुझे चंदन क्यारी का नेतृत्व करने के लिए कमल छाप पर मतदान कर यहां के विकास की गति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। चंदन क्यारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। माहौल अब दिख रहे हैं, मोदी का भी आगमन हुआ है और उत्साह में जनता और चंदन क्यारी के कार्यकर्ता सभी लोग ताकत से लगे हुए हैं। हम जीतेंगे, बढ़िया माध्यम से जीतेंगे और इस झारखंड में एक जन सरोकार की सरकार होगी। ऐसे गठबंधन की सरकार को खड़ के जनता बाहर की।